नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रजिस्ट्री पेपर में खाता नंबर गलत हो गया और आगे चलकर उसका दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन रजिस्ट्री को 10 साल हो चुके हैं, आगे हम क्या करें? तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि आपने किसी जमीन की रजिस्ट्री कराया है और उसमें खाता नंबर गलत हो गया है। खाता नंबर गलत होने के बावजूद आपका दाखिल खारिज भी हो गया, और दाखिल खारिज हो गया उसको 10 साल भी हो चुके हैं, और अब आपको ध्यान आया कि मेरा इस तरह से मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, खाता नंबर अब हम कैसे सुधार करें? तो दोस्तों खाता नंबर जो है गलत तो हो गया आपके रजिस्ट्री पेपर में, लेकिन उसका सुधार करवाना ही बेहतर होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वर्तमान समय में आपके क्षेत्र में सर्वे ना हुआ हो, लेकिन सर्वे तो शुरू है, आपके पास भी सर्वेयर जाएंगे, उससे पहले आप अपने कागजात को सुदृढ़ कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन अब बात आती है कि कोई भी गलती, चाहे वो खाता नंबर हो, खेसरा नंबर हो, रकबा हो, या फिर मौजा हो, नाम से हो, किसी भी संबंधित सुधार के लिए जो रजिस्ट्री पेपर में आप सुधार करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पुनः रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपका सुधार हो पाना मुश्किल हो जाता है। आप जो मैं बता रहा हूं ये 100% फैक्ट है, आप जाकर पता भी कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्री ऑफिस में आप खुद जाएं और पता करें, चाहे वो खाता नंबर हो, खेसरा नंबर हो, नाम हो, रकबा हो, मौजा हो, जो भी हो, कुछ भी हो, तो आप अगर उसका सुधार करवाना चाह रहे हैं पुनः रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा, और उसे आप जितना जल्द हो सके आप सुधार करवा ले, आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।